सुप्रभात बच्चों, आशा है आप सभी अपने स्थान पर स्वस्थ होंगे। कक्षा पांचवी विषय हिंदी उप विषय पाठ चार एक भारत श्रेष्ठ भारत, पुस्तक का नाम नई गुलमोर हिंदी पाठ्य पुस्तक, व्याख्यान चार। बच्चों, व्याख्यान चार में आज हम इस पाठ का सार, इस पाठ में आए हुए कठिन शब्द शब्दार्थ की दोहराई करेंगे तथा अभ्यास कार्य व भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न उत्तर को समझेंगे और व्याख्यान तीन के गृह कार्य का हल भी जानेंगे। तो बच्चों, आइए अब इस पाठ को हम सार रूप में समझते हैं। विविधताओं में एकता वाला भारत विश्व का एक महानतम देश है। यहाँ की सभ्यता एवं संस्कृति विश्व में सबसे प्राचीन है। भारत जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा और क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सातवां बड़ा देश है। देश के उत्तरी किनारे पर स्थित राज्य जम्मू एवं कश्मीर की जलवायु मध्य एशिया और यूरोप की जलवायु के समान है। इसके विपरीत दक्षिण किनारे पर स्थित राज्य समुद्र तट पर अवस्थित है। पर्वतीय भागों में अधिक ठंड पड़ती है जबकि मरुस्थलीय क्षेत्रों में गर्मी अधिक पड़ती है। जलवायु की भिन्नता के कारण लोगों के रहन सहन वेशभूषा एवं खान पान में भी अंतर हो जाता है। दक्षिण भारत का भोजन डोसा इडली उत्तपम तथा वड़ा आदि है, वहीं उत्तरी भारत में दाल रोटी और सब्जी बड़े चाव के साथ खाई जाती है। मैदानी क्षेत्र के लोगों की तुलना में पर्वतीय एवं मरुस्थलीय क्षेत्र में रहने वाले लोग अधिक परिश्रमी होते हैं। भारतीय संस्कृति में विभिन्न धर्मों का मिला जुला रूप झलकता है। हमारे धार्मिक स्थल भारत की एकता के सूचक हैं। उत्तर भारत के मंदिरों का वास्तुशास्त्र वैसा ही है जैसा दक्षिण भारतीय मंदिरों का होता है। मस्जिद गुरुद्वारे और चर्च भी पूरे देश में एक ही समान देखने को मिलते हैं। भारत के लोग धर्म संप्रदाय रीति रिवाज रहन सहन आदि के भेदों को भूलकर देश की एकता और अखंडता में विश्वास रखते हैं। भारत विश्व का श्रेष्ठतम देश है। हमें देश की श्रेष्ठता को बरकरार रखने की दिशा में सदैव प्रयत्नशील रहना चाहिए। भारत विविधताओं में एकता का एक अनोखा उदाहरण है। भारत की एकता को बनाए रखना प्रत्येक देशवासी का नैतिक कर्तव्य है। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए कठिन शब्दों की एक बार पुनः दोहराई करते हैं। नंबर एक संस्कृति, नंबर दो क्षेत्रफल, नंबर तीन स्वास्थ्य, नंबर चार राष्ट्रभाषा, नंबर पांच पर्वतीय। एक बार पुनः बोलते हैं। नंबर एक संस्कृति, नंबर दो क्षेत्रफल, नंबर तीन स्वास्थ्य, नंबर चार राष्ट्रभाषा, नंबर पांच पर्वतीय। नंबर छह विविधताओं, नंबर सात प्राचीनतम, नंबर आठ लोकतंत्र, नंबर नौ राजनीतिक, नंबर दस अर्थव्यवस्था। एक बार पुनः बोलते हैं। नंबर छह विविधताओं, नंबर सात प्राचीनतम, नंबर आठ लोकतंत्र, नंबर नौ राजनीतिक, नंबर दस अर्थव्यवस्था। नंबर ग्यारह
कर्तव्य, नंबर 12 है अमूल्य, नंबर 13 है अत्यधिक, नंबर 14 भौगोलिक, नंबर 15 शारीरिक। एक बार पुनः दोहराते हैं, नंबर 11 है कर्तव्य, नंबर 12 है अमूल्य, नंबर 13 है अत्यधिक, नंबर 14 भौगोलिक, नंबर 15 शारीरिक, नंबर 16 है जिम्मेदारी, नंबर 17 है प्राकृतिक, नंबर 18 है पर्यटकों, नंबर 19 स्वर्ग, नंबर 20 दृष्टि। एक बार पुनः दोहराते हैं, नंबर 16 है जिम्मेदारी, नंबर 17 है प्राकृतिक, नंबर 18 है पर्यटकों, नंबर 19 स्वर्ग, नंबर 20 दृष्टि। अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दों के अर्थ उन्हें समझते हैं। नंबर 1 आदर्श, इसका अर्थ है श्रेष्ठतम अवस्था, जो सबसे श्रेष्ठ अवस्था हो। नंबर 2 उत्तम, इसका अर्थ है सबसे अच्छा। नंबर 3 सर्वाधिक, इसका अर्थ है सबसे अधिक। नंबर 4 प्रचुर, इसका अर्थ है बहुत अधिक। पुनः दोहराते हैं, नंबर 1 आदर्श, इसका अर्थ है श्रेष्ठतम अवस्था। नंबर 2 उत्तम, इसका अर्थ है सबसे अच्छा। नंबर 3 सर्वाधिक, इसका अर्थ है सबसे अधिक। नंबर 4 प्रचुर, इसका अर्थ है बहुत अधिक। नंबर 5 भिन्नता, इसका अर्थ है अलग अलग। नंबर 6 कद्रदान, इसका अर्थ है कद्र समझने वाला। नंबर 7 शुमार, इसका अर्थ है गिनती। नंबर 8 आबोहवा, इसका अर्थ है पर्यावरण। नंबर 9 सौंदर्य, इसका अर्थ है सुंदरता। एक बार पुनः दोहराते हैं, नंबर 5 भिन्नता, इसका अर्थ है अलग अलग। नंबर 6 कद्रदान, इसका अर्थ है कद्र समझने वाला। नंबर 7 शुमार, इसका अर्थ है गिनती। नंबर 8 आबोहवा, इसका अर्थ है पर्यावरण। नंबर 9 सौंदर्य, इसका अर्थ है सुंदरता। नंबर 10 दुर्गम, इसका अर्थ है कठिन। नंबर 11 है जैव, इसका अर्थ है जीव संबंधी। नंबर 12 है व्यंजन, इसका अर्थ है भोजन। नंबर 13 है दृष्टिगोचर, इसका अर्थ है दिखाई देना। नंबर 14 अमूल्य, इसका अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो। एक बार पुनः दोहराते हैं, नंबर 10 दुर्गम, इसका अर्थ है कठिन। नंबर 11 है जैव, इसका अर्थ है जीव संबंधी। नंबर 12 है व्यंजन, इसका अर्थ है भोजन। नंबर 13 है दृष्टिगोचर, इसका अर्थ है दिखाई देना। नंबर 14 अमूल्य, इसका अर्थ है जिसका कोई मूल्य न हो। बच्चों, अब हम इस पाठ में आए हुए प्रश्नों के उत्तर जानते हैं। प्रश्न नंबर 1, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क, बादलों का घर के नाम से किसे जाना जाता है? आपके सामने 4 विकल्प हैं, क, ख, ग और घ। पहला है असम को, दूसरा अरुणाचल प्रदेश को, तीसरा मणिपुर को और चौथा मेघालय को। तो पाठ आपने पढ़ा है, तो अब आप इसका उत्तर दे सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या है? मेघालय को। बादलों का घर के नाम से मेघालय को जाना जाता है। ख, समुद्र तटीय, यानी कि समुद्र के किनारे जो भी क्षेत्र लगते हैं, वहां के निवासियों का प्रिय भोजन क्या है? क, दाल बाटी चूरमा, ख, मछली चावल, ग,
लिट्टी चोखा, घर, नान, सब्जी। तो इसका सही उत्तर है मछली चावल। प्रश्न नंबर 2, सही मिलान कीजिए। यहाँ पर क, ख, ग और घ दिए गए हैं, जिसका मिलान आपने सामने लिखे हुए शब्दों से करना है। यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं आप लोगों को समझाने के लिए, लेकिन आपको भी पता होना चाहिए। पहला है क, केंद्र शासित प्रदेश, तो उसको किससे मिलाओगे? 29 से, गुजरात से, भारत की राष्ट्रभाषा से, या 7 से? तो हम इसको किससे मिलाएंगे? 7 से, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 7। दूसरा है हिंदी, इसको हम किससे मिलाएंगे? भारत की राष्ट्रभाषा से, तो इसके सामने हमने ख लिख दिया। ग, राज्यों की संख्या, अब कितनी है? 29, तो हमने इसके सामने ग लिख दिया है। घ, ढोकला, ढोकला क्या है? एक व्यंजन है, तो ये कहाँ का है व्यंजन? गुजरात का, तो इसके सामने हमने घ लिख दिया। तो क का उत्तर क्या है? केंद्र शासित प्रदेश 7, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा, राज्यों की संख्या 29, और ढोकला कहाँ का व्यंजन है? गुजरात का। प्रश्न 3, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क, राजस्थान में आंधी चलती है, तो इसका उत्तर क्या है? सही। ख, हमारे देश में एक धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं, तो इसका उत्तर क्या है? ये गलत है ये वाक्य, क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। बच्चों, आज आपका व्याख्यान 4 का गृह कार्य क्या है? प्रदत्त कार्य। यहाँ नाम के सामने आपने अपना नाम लिखना है तथा दिनांक के सामने आपने दिनांक लिखनी है। प्रश्न 1 है, सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। क, आधुनिक युग में भारत ने किस ग्रह पर अपना यान सफलतापूर्वक भेजा? आपके सामने 4 विकल्प दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा विकल्प इनमें से सही है। प्रश्न 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। प्रश्न क, असम प्रदेश का भौगोलिक वर्णन कीजिए, तो अब आपने इसका उत्तर लिखना है। ख, भारत विविधता का देश है, फिर भी एकता में बंधा है कैसे? इसका भी आपने उत्तर लिखना है। प्रश्न 3, सही वाक्य के सामने सही तथा गलत वाक्य के सामने गलत का निशान लगाइए। क, संस्कृत भारत की अधिकांश भाषाओं की जननी है। ख, जलवायु का प्रभाव पोशाक पर नहीं पड़ता है। ग, श्रीखंड महाराष्ट्र की प्रसिद्ध मिठाई है। इन तीनों के सामने जो भी सही है उसके सामने सही, और जो गलत है उसके सामने गलत का चिन्ह लगाना है। प्रश्न 4, निम्नलिखित वाक्यों में निपातों को रेखांकित कीजिए। बच्चों, मैंने जब अभ्यास कार्य करवाया था तब भी आपको बताया था, एक बार पुनः बता देती हूँ कि निपात क्या होते हैं। निपात की परिभाषा है, किसी भी बात पर अतिरिक्त बल देने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे निपात कहते हैं। जैसे भी, तो, तक, केवल, ही, मात्र आदि शब्द हैं निपात। क और ख, दो वाक्य दिए गए हैं, इन दोनों वाक्यों में कौन सा निपात शब्द है उसको आपने रेखांकित करना है। प्रश्न 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। क, आदर्श, ख, कद्रदान, ग, आबोहवा, घ, अमूल्य। शब्दार्थ आपको करा दिए गए हैं, तो उस आधार पर आप इन शब्दों के अर्थ लिख सकते हैं। मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ, क, आदर्श, ख, कद्रदान, ग, आबोहवा, घ, अमूल्य। बच्चों, व्याख्यान 3 का जो आपको गृह कार्य दिया गया था
आशा है वो आपने कर लिया होगा। चलिए अब हम उसकी जांच करते हैं कि क्या हमने वो कार्य सही किया है। अगर उसमें हमारी कोई गलती है तो उसका हम पुनः लिखकर अभ्यास कर सकते हैं। प्रश्न एक, निम्नलिखित शब्दों के दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। क आकाश, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? नभ, गगन। क्या है आकाश का पर्यायवाची शब्द? नभ, गगन। ख मित्र, इसका पर्यायवाची शब्द क्या है? सखा, साथी। मित्र का पर्यायवाची क्या है? सखा, साथी। ग मां, इसका पर्यायवाची क्या है? जननी, अम्बा। मां का पर्यायवाची क्या है? जननी, अम्बा। प्रश्न दो, निम्नलिखित वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। बच्चों, क्रिया विशेषण शब्द आपके व्याकरण में भी आता है और आपके इस पाठ में भी क्रिया विशेषण शब्द दिए गए हैं। तो क्रिया विशेषण शब्द की परिभाषा मैंने पहले भी बताई थी, एक बार मैं पुनः दोहरा देती हूँ। जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया विशेषण के चार भेद हैं, कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, जो यह बताते हैं कि क्रिया कैसे, कहाँ, कब और कितनी मात्रा में हो रही है। जो शब्द इसकी जानकारी देते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया विशेषण शब्द। जैसे पहला है, वह ऊपर बैठा है। अब यहां पर वह ऊपर बैठा है, तो यहां पर जो ऊपर शब्द दिया गया है वो किसकी विशेषता बता रहा है? बैठा है क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो यह किसका भेद है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण का भेद है। तो हमने ऊपर यहां पर इसके सामने लिख दिया है। दूसरा है, रमा तेज भागती है। अब भागती है तो क्या है? क्रिया है। अब वो कैसे भागती है तो वो क्या बता रहा है ये शब्द? तेज भागती है। तो यहां पर हमने इसके सामने तेज शब्द लिख दिया है जो क्रिया विशेषण है, वो रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। ग बंगाल में चावल बहुत खाया जाता है। अब खाया जाता क्या है? क्रिया है। कितना खाया जाता है? मात्रा पूछी गई है। तो यहां पर परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है, तो ये शब्द क्या बता रहा है? बहुत खाया जाता है, क्रिया की विशेषता बता रहा है। तो बहुत शब्द क्या है यहां पर? क्रिया विशेषण शब्द है। प्रश्न तीन, निम्नलिखित शब्दों के लिंग लिखिए। क अलमारी, अलमारी शब्द क्या है? स्त्रीलिंग है। ख पौधा, पौधा क्या है? पुल्लिंग है। ग नदी, नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। घ माली, माली क्या है? पुल्लिंग है। तो बच्चों, जब इन शब्दों की हम पहचान करते हैं तो वाक्य में हम प्रयोग करके देखते हैं। अलमारी, जैसे मैंने अलमारी में कपड़े रखे, तो कई बार कई शब्दों का हमें स्वयं ही पता चल जाता है कि अलमारी क्या है? स्त्रीलिंग है। इसी तरह मैंने एक पौधा लगाया, हम ये तो नहीं कह सकते कि मैंने एक पौधा लगाई, तो पौधा क्या है? पुल्लिंग शब्द है। इसी तरह नदी, इसका भी हमें स्वयं पता चल जाता है कि नदी क्या है? स्त्रीलिंग है। माली, माली पौधों को पानी दे रहा है, तो ये क्या है? पुल्लिंग शब्द है। तो बच्चों, आपको स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की पहचान हो गई होगी। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।